खरगोन जिले में निरंतर बलाई समाज सेवा संगठन के द्वारा आज शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने शिक्षकों के समर्पण भाव की सराहना की और कहा कि शिक्षक ही है जो भटके हुए को सही राह दिखाता है। निरंतर बलाई समाज सेवा संगठन के अध्यक्ष विजय कोचले ने बताया कि हमारा उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित सेवाभावी शिक्षकों को उत्साहित करना है, जिससे वह इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते रहें। इस दौरान मुख्य अतिथि विकास खंड शिक्षा अधिकारी SS जाधव, शिवमानु सिंह मंडलोई, रामेश्वर बड़ोले, नरेंद्र आर्य, श्रीपाल भालसे, रोहित मनागरे, नरेंद्र सोलंकी आदि उपस्थित थे। खरगोन से ओजस निहाले की रिपोर्ट। आज जो है 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में निरंतर बलाई समाज सेवा संगठन ने समाज के जितने भी शिक्षक हैं SC ST OBC के, उन सभी लोगों को शिक्षकों का सम्मान समारोह रखा था, जिसमें निरंतर बलाई समाज सेवा संगठन की ओर से पुष्पमाला से स्वागत करके उनको उनके हथियार कलम भेंट की गई है, जिसमें आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई SS जाधव, विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं हमारे समाज के नेतृत्वकर्ता परम आदरणीय शिवानु सिंह सोलंकी दादा, शिवानु मंडलोई दादा और हमारे सभी समाज के शिक्षक एकत्रित हुए थे, उनका सम्मान रखा गया था। इसका और आगे भी ऐसे आयोजन रखते रहेंगे। समाज में आज जो शिक्षक के शिक्षा के प्रति जो हमारे शिक्षक जिस हिसाब से जागृत है और जिस हिसाब से वो शिक्षा दे रहे हैं पहाड़ी अंचलों में जाके जितनी मेहनत कर रहे हैं और आज उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, इसलिए हमने चाहा कि यार संगठन की ओर से हम शिक्षकों का सम्मान करें, क्योंकि शिक्षक बहुत मेहनत करते हैं और उनको सम्मान नहीं मिलता है और उस कमी के कारण जो है हमको ऐसा लगा कि यार कम से कम इनका सम्मान हो तो और शिक्षा का स्तर बढ़िया से बढ़िया हो सके। आपका नाम सर? विजय कोचले, जिला अध्यक्ष निरंतर भलाई समाज सेवा संगठन का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।